हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट थर्ड टी फ्रॉम असम ऑफ सेवन्थ चैप्टर। इसके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट टी फ्रॉम असम। इसमें हम असम के अंदर जो चाय के बागान हैं, चाय की जहाँ पे खेती होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रंजोल ए यंग शॉ फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रंजोल है वो एक यंगस्टर है असम से और वो राजवीर का क्लासमेट है एक दिल्ली के स्कूल के अंदर। प्रंजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। और प्रंजोल के जो फादर हैं वो एक चाय के बागान के अंदर मैनेजर हैं अपर असम में, यानी असम का जो ऊपरी इलाका है। एंड प्रंजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और जो प्रंजोल है उसने राजवीर को इन्वाइट किया है अपने फ्रेंड को टू विजिट हिज होम, कि वो उसके घर पर विजिट करे या आए घूमने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। सो लेट्स स्टार्ट। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिचड वॉइस। तो ये जब जा रहे हैं अपने घर पे तो एक आवाज़ लगा रहा है, ये कोई चाय बेचने वाला है, चाय गरम, और काफ़ी तेज़ आवाज़ में हाई पिच्ड वॉइस होती है जो काफ़ी दूर तक आवाज जाए, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ। तो वो इस तरीके से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ में बोल रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। तो वो ट्रेन के अंदर जा रहे हैं तो ट्रेन के बाहर जो चाय बेचने वाला है, ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनकी खिड़की के पास आता है और उनसे पूछता है कि चाय साहब, ये चाय लेंगे आप। गिव अस टू कप्स, प्रंजोल सेड। प्रंजोल ने कहा दो कप दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और उन्होंने जो गर्म गर्म लिक्विड था यानी चाय थी जो, उसका सिप लिया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और जो उनका डब्बा था ट्रेन का, तो उनके कंपार्टमेंट के अंदर जो सब लोग थे वो लगभग चाय पी रहे थे, यानी सभी लोग चाय पी रहे थे लगभग, मोस्ट ऑफ देम। सो डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर से। तो राजवीर ने प्रंजोल से कहा कि क्या तुम जानते हो कि ऑलमोस्ट यानी लगभग दैट ओवर 80 करोड़, यानी 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा की चाय ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर पी जाती है। तो राजवीर है वो प्रंजोल से कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा कप चाय पूरी दुनिया के अंदर पी जाती है एवरी डे, यानी हर दिन। वो एक्सक्लेम प्रंजोल, अपन रोल है, उसने थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ में कहा है कि टी रियल इज वेरी पॉपुलर, कि चाय है वो काफ़ी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड ऑफ द स्टेशन। अब जो ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर जाने को तैयार है, यानी वहाँ से निकल पड़ी है वो। प्रंजोल बर्न्ड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, बरीड हिज नोज। तो प्रंजोल है वो कोई डिटेक्टिव का नॉवल पढ़ रहा है, तो उसने अपनी जो नोज है वो वापस उसके डिटेक्टिव नॉवल के अंदर घुसा दी है। प्रंजोल है वो एक लड़का है, अभी तक हमें यही पता लगा है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो राजवीर है वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज हैं उनका काफ़ी बड़ा फैन है। आर्डेंट मीन्स होता है कीन, यानी काफ़ी डीप इंटरेस्ट है उसको डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर। तो प्रंजोल जब पढ़ रहा है डिटेक्टिव स्टोरीज तो प्रंजोल को भी इंटरेस्ट है उसमें, राजवीर को भी इंटरेस्ट है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीन अराउंड लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। पर जो इस क्षण में या इस मोमेंट के अंदर जब वो ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन है वो चल रही है, ही वॉज कीन अराउंड लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। तो वो बाहर जो ब्यूटिफुल सीनरी है, यानी सुंदर सुंदर दृश्य हैं जो बाहर के, कुछ पेड़ होंगे या कुछ पहाड़ियाँ वगैरह, तो उन सबको देखने में वो ज़्यादा कीन है, यानी ज़्यादा सीरियस है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी, यानी इतनी हरियाली। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और उसके बाद जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं गेव वे टू टी बुशेस, तो वो निकल गए और उन्होंने जो चाय के बागान हैं, चाय की जो झाड़ियाँ हैं, उनको रास्ता देना शुरू किया। तो अब जो ग्रीन फील्ड्स हैं, पैडी फील्ड्स, अब उनसे चाय के बागान शुरू हो गए। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू, काफ़ी शानदार व्यू था ये देखने में। मैग्निफिशेंट मीन्स ग्रैंड, काफ़ी भव्य। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। तो बैकड्रॉप यानी पीछे का, तो सामने तो चाय के बागान है पूरे के चारे। द डेंसली वुडन हिल्स और ए सी ऑफ टी बुशेस, तो चाय के बागान है वहाँ पे, तो चाय के पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे जो शॉर्ट हाइट के होते हैं।
अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, और उसके बैकड्रॉप में, तो बैकड्रॉप होता है जो सीनरी एट द बैक, यानी पीछे जो दिखाई देता है, तो चाय के जो बागान हैं उनके पीछे जो बैकड्रॉप में क्या है, वुडेड हिल्स यानी पहाड़ी है, तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं उसके ऊपर, डेंसली वुडेड यानी काफ़ी भारी मात्रा में पेड़ हैं। सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेस एज फार एज आई कुड सी, तो दूर दूर तक जहाँ भी जाके आप देखो आपकी नज़र जाती है जहाँ तक, वहाँ तक चाय के बागान फैले हुए हैं और उनके पीछे पहाड़ियाँ हैं जो काफ़ी पेड़ों से हरी भरी है। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्री एंड एमेंस द ऑर्डरली रो बुशेज बिजिली मूव्ड ऑल लाइक फिगर्स। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, तो इन चाय के जो पौधे हैं टाइनी टी प्लांट्स, तो जो चाय के प्लांट्स होते हैं यानी जो पौधे होते हैं जहाँ पे चाय पत्ती उगती है, तो वो काफ़ी छोटे होते हैं यानी उनकी हाइट नहीं होती, तो उन पौधों को छोटा दिखाते हुए जो टॉल स्टडी शेड ट्रीज हैं यानी काफ़ी बड़े बड़े जो पेड़ हैं शेडी तो छाया कर देते हैं, तो वो उन चाय के पौधों को छोटा दिखाते हुए एंड अमेज द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस, और उन जो ऑर्डर्स यानी चाय के जो बागान होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं यानी सीक्वेंस में होते हैं पूरे। बिजली मूव्ड ऑल लाइक फिगर्स, तो वो उनके बीच में जो चाय के पौधे होते हैं उनकी कटिंग की होती है अच्छे से, और वो काफ़ी छोटे कद के पेड़ दिखाई देते हैं, तो वो डॉल लाइक फिगर लगते हैं देखने में। तो ये कह रहे हैं कि चाय के जो बागान हैं उनके बीच बीच में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी हैं, तो वो बड़े पेड़ हैं वो चाय के बागानों को छोटा दिखा रहे हैं यानी जो चाय के प्लांट्स हैं उनको, टी प्लांट्स को। एमेडिस द ओवरली ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस, और जो बुशेस हैं यानी जो चाय की झाड़ियाँ हैं चाय पत्ती की, मूव डॉल लाइक फिगर्स, वो एक डॉल लाइक फिगर लग रही है यानी गुड़िया की तरह लग रही है उनके सामने। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज, बिलोइंग मीन्स होता है मूविंग क्लाउड्स यानी जो बादल होते हैं। तो इन द डिस्टेंस, काफ़ी दूर पे देखने पर, वाज एन अगली बिल्डिंग, वहाँ पे एक गंदी सी बिल्डिंग दिखती है, काफ़ी अगली बिल्डिंग, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जो उसकी बड़ी बड़ी चिमनी है, काफ़ी ऊंची चिमनी है, उससे एक धुएं के बादल से निकल रहे हैं। तो ये एक अगली बिल्डिंग के बारे में कह रहे हैं। हे एटी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, अब राजवीर है वो ये देख के एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि हे एटी गार्डन, कि देखो एक चाय का बागान आया है, गार्डन आया है। प्रोंजोर वो हैड बीन बॉर्न एंड बॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, अब जो प्रोंजोर है वो तो यहीं पर पली बड़ी है यानी चाय के बागानों में उनके फादर काम करते हैं, तो ये उसकी जो परवरिश हुई है उसका जो पली बड़ी है वो वहीं पे पली बड़ी है, तो वो उसकी जितना एक्साइटमेंट शो नहीं करती या उसका जो एक्साइटमेंट है राजवीर का वो उसमें नहीं आता क्योंकि उसके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सैड, अब वो कहता है कि ओ ये तो एक टी कंट्री है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि असम है वो सबसे बड़ा जो प्लांटेशन है चाय का वो है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय की खेती होती है वो असम के अंदर होती है। कंसंट्रेशन मीन्स होते हैं जो गैदरिंग होता है, कलेक्शन होता है, एग्रीगेशन होता है, तो चाय के जो बागान का ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में यहीं पे है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, तो वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे इतने गार्डन देखोगे तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट योर लाइफ टाइम, यानी तुम अपनी सारी ज़िंदगी भी देखते रहो इनको गार्डन्स को, तो ये ख़त्म नहीं होने वाले, इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सैड, तो राजवीर कह रहा है कि मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ा है, यानी मैं पढ़ रहा था चाय के बागानों के बारे में, तो जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ा है। नो वन रियली नो हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मैनी रीजन्स, तो राजवीर कहता है कि वो कुछ बता रहा है प्रंजोल को कि नो वन रियली नो हु डिस्कवर टी, कि कोई नहीं बता सकता कि जो टी का आविष्कार है यानी उस टी की खोज किसने की है, डिस्कवरी किसने की है चाय की, बट देर आर मैनी लीजेंड्स, पर काफ़ी कहानियाँ हैं इसके बारे में, लीजेंड्स होते हैं जो सुनी सुनाई जो लीजेंड्स होती हैं, बातें होती हैं, कहानियाँ होती हैं। अब प्रंजोल है वो उससे पूछ रहा है कि वॉट लीजेंड्स, यानी कौन सी कहानियाँ, कौन सी लीजेंड्स, तो लीजेंड्स होते हैं जो स्टोरीज होती हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक दूसरे को सुनाई जाती हैं, जैसे राजा महाराजाओं की कहानियाँ, किससे कहानियाँ, तो उनको लीजेंड्स कहते हैं। तो प्रंजोल राजवीर से पूछ रहा है कि कौन सी लीजेंड्स, वेल देयर्स द वन, तो राजवीर बता रहा है कि एक है कि अबाउट द चाइनीज एम्परर, तो एक जो है कहानी वो तो एक चाइनीज राजा के बारे में है,
ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि पानी को हर बार उबालता था उसको पीने से पहले। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स होते हैं जो चाय की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं चाय की, तो ट्विग्स में से कोई भी टहनियाँ या स्टिक या स्टेम कह लो आप, ट्विग मीन्स स्टिक या स्टेम, तो छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं टहनियाँ होती हैं। सो वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, तो जो पॉट के अंदर यानी जो बर्तन रखा था जिसमें पानी उबल रहा था उसके नीचे चूल्हे के अंदर कुछ लकड़ियाँ लगाई हुई थी, कुछ टहनियाँ लगाई हुई थी, इन टू द वाटर, और वो पानी के अंदर गिर गई, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और उसने वाटर का जो फ्लेवर था वो बदल दिया और काफ़ी एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया उसको वाटर को। इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी, यानी जो ट्विग्स थी यानी जो टहनियाँ थी पत्तियाँ थी वो चाय की थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रॉन्जल, अब प्रॉन्जल है वो कुछ उसको मजाक बना रहा है या उसको फन कर रहा है। स्कॉफ्ड मीन्स होता है मॉक या मेकिंग फन ऑफ, तो प्रॉन्जल है वो यहीं पे पला बड़ा है, तो उसने ये हो सकता है ये कहानियाँ सुनी हो। तो टेल मी अनदर, तो वो राजवीर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि टेल मी अनदर, मुझे और बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजन टू, अब राजवीर कह रहा है कि हमारे एक इंडिया की भी कहानी है, बोधि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्टिक, एस्टिक मीन्स होता है मोंक, जो बौद्ध के साधु होते हैं, बौद्ध धर्म के साधु सन्यासी। तो प्रंजो राजवीर प्रंजोल को बता रहा है कि हमारी एक इंडियन स्टोरी भी है बौद्ध धर्म के बारे में, जो एक एंशिएंट यानी काफ़ी पुराने बौद्धिस्ट मोंक थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो वो मेडिटेशन कर रहे थे तो वो काफ़ी नींद आ रही थी उनको, स्लीपी फील कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो आईलिड्स होती हैं जो अपनी पलकें होती हैं उनको काट दिया। टेन टीज प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन्होंने उसे फेंक दिया तो उससे 10 चाय के पौधे पैदा हो गए, उनकी जो आईलिड्स थे यानी जो उनकी पलकों पलकें थी उनकी बोधि धर्मा की, उनसे 10 चाय के पौधे पैदा हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर्स, और जब चाय की जो पत्तियाँ थी वो जब जो चाय के पौधे वो पैदा हुए थे उनकी पत्तियों को जब गर्म पानी के अंदर डाला जाता था एंड ड्रैंक व्हेन इट स्लीप, और उनको जब पिया जाता था गर्म पानी को तो उससे जो नींद थी वो भाग जाती थी। बैनिश मीन्स ड्राइव अवे, या जो चीज़ भगा दे किसी चीज़ को, बैनिश मीन्स गेट रिड ऑफ, ड्राइव अवे या थ्रो आउट, किक आउट। बैनिश स्लीप, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, अब राजवीर ने ऐड किया उसके अंदर कि चाय है वो सबसे पहले चाइना के अंदर पी गई, एज फार बैक एज 2700 BC, तो 2700 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी 2700 साल पहले बिफोर क्राइस्ट चाय पहली बार पी गई चाइना के अंदर। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, और वो कह रहा है कि इनफैक्ट ये जो वर्ड्स हैं यानी टी चाय चीनी ये भी चाइनीज वर्ड्स ही हैं, यानी चाइना से आए हुए वर्ड्स हैं। टी केम फ्रॉम यूरोप ओनली इन द 16th century, और जो चाय है वो यूरोप से आई थी, केम टू यूरोप यानी यूरोप के अंदर चाय 16th century के अंदर आई यानी 16वीं सदी के अंदर। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन इन देन एज बेवरेज, और उसको ज़्यादातर उस टाइम पे यानी 16वीं सेंचुरी में ज़्यादातर उसको मेडिसिन के रूप में पिया जाता था, यानी दवाइयों के रूप में पीते थे उसको, देन एज बेवरेज, एक बेवरेज के रूप में या एक चाय कॉफ़ी जिस तरीके से पीते हैं मज़े के लिए वैसे नहीं पीते थे उसको, एक मेडिसिन के रूप में ही पीते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरिनी जंक्शन, अब ट्रेन है वो एक शोर मचाती है, क्लैटर मीन्स होता है मेक लाउड नॉइस, तो काफ़ी लाउड नॉइस करती है ट्रेन। क्लैटर्ड इनटू मैरिनी जंक्शन, तो मैरिनी जंक्शन पे आ गई ट्रेन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, अब जो लड़के हैं उन्होंने अपने लगेज कलेक्ट किए, जो रंजोल और राजवीर हैं दोनों लड़के हैं उन्होंने अपने लगेज हैं वो कलेक्ट किए, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म था वहाँ से उन्होंने रास्ता बनाना शुरू किया अपना वहाँ से निकलने के लिए। प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रंजोल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स दे की बारी, और जल्दी ही वो ड्राइव कर रहे थे कार से टुवर्ड्स दे की बरी की तरफ। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रंजोल्स फादर, जहाँ पे जो टी गार्डन है उसकी मैनेजमेंट प्रंजोल के फादर के द्वारा की जाती है, यानी प्रंजोल के जो फादर हैं वो डेका बरी के अंदर चाय के बगान के अंदर मैनेजर हैं। एंड और लेटर, एक घंटे बाद द कार वियर शार्पली ऑफ द मेन रोड,
वेयर मिल्सोला टर्म। तो एक घंटे बाद जो गाड़ी है उसने एक शार्प टर्न लिया शार्पली ऑफ द मेन रोड, यानी एक शार्प कट मारा उसने मेन रोड की तरफ। दे क्रॉस वीड मीन्स होता है एक टर्न, मोड़ लेना। शार्पली वीड शार्पली मीन्स एक शार्प टर्न लिया उसने, यानी तेजी से एक पूरा टर्न होता है जो। दे क्रॉस दे कैटो ब्रिज, उन्होंने कैटो ब्रिज को क्रॉस किया एंड एंटर डिकाबेरिटी स्टेट, और जो डिकाबेरी की टी एस्टेट है यानी जहाँ से चाय के बागान शुरू होते हैं वहाँ पे उन्होंने एंट्री ली। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, जो बोथ साइड की ग्रेवल रोड थी यानी जो बजरी की रोड होती है कच्ची, जो रोडी की रेड ग्रेवल रोड मीन्स होती है रोड मेड ऑफ ग्रेवल, ग्रेवल होता है जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो बजरी वगैरह से जो बनी हुई रोड थी। बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड वर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस, तो जो सड़क थी उसके दोनों ओर काफ़ी एकर्स में फैले हुए चाय के बागान थे। ऑल नेटली प्रून टू द सेम हाइट, और सभी जो चाय के बागान थे वो सब सेम हाइट पे थे, यानी जो चाय के पौधे लगे थे उनकी हाइट सेम थी। प्रून मीन्स ट्रिम्ड, तो काफ़ी कटाई की होती है उनकी, तो चाय के बागान आप कभी देखो तो उनकी जो हाइट होती है पौधों की वो सेम होती है, उसको कटिंग किया होता है। ऑल नेटली प्रून टू द सेम हाइट, ग्रुपिंग ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और जो टी प्लकर्स का यानी जो चाय का पत्तियाँ तोड़ते हैं जो इकट्ठी करते हैं उनको टी प्लकर्स कहते हैं। तो उनका एक ग्रुप था विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, और उनकी पीठ पे जो बैम्बू की यानी जो बांस की टोकरियाँ होती हैं वो बंधी हुई थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और उन्होंने जो प्लास्टिक का एप्रन होता है वो अपने पहन रखा था। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो नई नई जो चाय की पत्तियाँ ही होती हैं न्यूली स्प्राउटेड, उन चाय की पत्तियों को वो प्लक कर रहे थे यानी तोड़ रहे थे उसको। प्रंजोल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब प्रंजोल के फादर हैं जो कार को ड्राइव कर रहे हैं, स्लो डाउन टू अलाउ, उन्होंने अपनी जो कार है उसको धीमा किया टू अलाउ ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को जाने के लिए। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, तो एक ट्रैक्टर था वो जो कि उसकी जो ट्रॉली थी वो चाय की पत्तियों से भरी हुई थी, तो प्रंजोल के फादर ने अपनी गाड़ी को साइड में किया, थोड़ा धीरे किया ताकि वो जो ट्रैक्टर है वो पास कर सके उसको रोड को। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो अब जो राजवीर है, इजंट इट मिस्टर वर्मा, राजवीर राजवीर ने पूछा क्या ये सेकेंड फ्लश है। सेकेंड फ्लश मीन्स जो चाय की पत्तियां का सीज़न आता है तो अच्छी सप्लाई आती है जब, तो सेकेंड फ्लश मीन्स जो सीज़न के अंदर दूसरी बार हो, और स्प्राउटिंग पीरियड। तो वो राजवीर है वो मिस्टर बरुआ जो प्रंजोल के फादर हैं उनसे पूछ रहा है कि क्या ये सेकंड फ्लश है या एक स्प्राउटिंग पीरियड है। तो स्प्राउटिंग पीरियड में यानी जब चाय की नई नई पत्तियाँ आती हैं पौधों के ऊपर, तो ये वो वाला पीरियड है, या एक सेकंड फ्लश है यानी जो दूसरी आवक होती है, जो दूसरी खेती होती है वो है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी। अब राजवीर है वो मिस्टर बरुआ को कह रहा है कि ये मई से जुलाई के टाइम का सीज़न होता है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी, और इस सीज़न में अच्छी सबसे अच्छी चाय होती है। You seem to have done your homework before coming. अब जो प्रंजोल के फादर हैं, प्रंजोल्स फादर सैड इन सरप्राइज, तो प्रंजोल के जो फादर हैं वो काफ़ी सरप्राइज हुए राजवीर की बात सुन के, और उन्होंने कहा कि तुम काफ़ी अच्छा होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले, यानी तुमने काफ़ी अच्छा स्टडी किया इसके बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एडमिट किया कि यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, पर मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी कुछ सीखूँगा यहाँ पे जब मैं यहाँ पे हूँ। तो राजवीर कह रहा है कि राजवीर एडमिट कर रहा है कि वो काफ़ी स्टडी करके आए हैं, पर उसे उम्मीद है कि वो यहाँ पे और कुछ भी नया भी सीखेगा जब वो यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर वन, लुक एट दीज वर्ड्स, तो ये वर्ड्स हैं अनकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉकिंग, दे आर बिल्ट अप फ्रॉम ए वर्ब, तो ये वर्ब से बने हैं जो कि है कीन, कीप, पोर, गो, ड्रॉप, वॉक, तो इन वर्ब से ये ऊपर वाले वर्ड्स बने हैं। एंड एडवर्ब और ए पार्टिकल, या फिर एक जो एडवर्ब है या फिर पार्टिकल है, अप डाउन अंडर आउट इन, यूज दिस वर्ड्स एप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंसेस बिलो, यू मे कंसल्ट ए डिक्शनरी, तो हमें ये वर्ड्स यूज करने हैं इनके अंदर फिलिंग्स द ब्लैंक्स के अंदर। ए हैवी हैज बीन फॉरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे एक फोरकास्ट है यानी फ्यूचर की मौसम की भविष्यवाणी है ड्यू टू लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर के कारण ए हैवी
तो हैवी होगा इसमें डाउन पोर, ये हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है स्टार्टिंग के अंदर। डाउन पोर मीन्स होता है भारी बारिश, सो ए हैवी डाउन पोर ये वर्ड यूज़ होगा इसमें। यहाँ पे काफ़ी भारी बारिश हैज़ बिन फोरकास्ट, उसका अंदेशा है या उसकी संभावना है, मौसम की ये भविष्यवाणी है, ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण भारी बारिश की संभावना है। डाउन पोर मीन्स भारी बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश। राकेश विल मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग, सो राकेश विल अंडरगो, सो सेकेंड नंबर में अंडरगो आएगा, राकेश विल अंडरगो मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग, यानी राकेश की एक काफ़ी मेजर सर्जरी होगी कल सुबह, यानी सर्जरी के अंदर वो जाएगा। अंडरगो मीन्स होना है उसके अंदर जाना, यानी सर्जरी की जो प्रोसेस है उसके अंदर वो जाएगा। अंडरगो माय ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफ अवर फैमिली प्रॉपर्टी, सो माय ब्रदर यानी जो मेरा भाई है इज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑफ अवर फैमिली प्रॉपर्टी, हमारी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसको अपकीप, यहाँ पे अपकीप आएगा वर्ड, अपकीप मीन्स मेंटेनेंस करने के लिए या उसकी केयर करने के लिए, अपकीप मीन्स मेंटेनेंस या केयर। सो माय ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ आवर फैमिली प्रॉपर्टी, मेरा भाई हमारी जो फैमिली प्रॉपर्टी है, हमारी जो खानदान की संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति, उसको देख रेख करने के लिए या उसकी मेंटेनेंस या अपकीप करने के लिए या उसकी केयर करने के लिए, तो केयर मेंटेनेंस या अपकीप सेम वर्ड है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो फिल इन द ब्लैंक्स में अपकीप आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, द रेट ऑफ फॉर दिस अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मीन्स होता है उसको छोड़ के चला जाना यानी छोड़ देना, यानी कोई कोर्स है उसको बीच में छोड़ देना, ड्रॉप आउट। सो द ड्रॉप आउट रेट फॉर दिस अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई, यानी ये जो अकाउंटेंसी का कोर्स है इसको छोड़ देने की जो रेट है, यानी जो जितने बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसकी रेट है वो काफ़ी हाई है। शी वेंट टू द एंटरप्राइज कंपनी टू अटेंड ए इंटरव्यू, सो आंसर इज वॉक इन, शी वेंट टू द एंटरप्राइज कंपनी, वो एंटरप्राइज कंपनी में गई टू अटेंड ए वॉक इन इंटरव्यू, एक वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। वॉक इन होता है जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, जहाँ पे आपके पहले से कोई सूचना नहीं दी जाती आपको, बस एक वॉक इन इंटरव्यू होता है जहाँ पे कोई भी जाके अपना इंटरव्यू दे सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, ये फिल इन द ब्लैंक्स करने आपको इन वर्ड्स का यूज़ करके, तो ये जो दो वर्ड हैं यानी जो ओवर, बाय, थ्रो, आउट, अप, डाउन, इनको आपको इन कंबाइंड इनके साथ में कंबाइंड करना है जो ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स, और आपको जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन नंबर वन, द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू द गवर्नमेंट, सो ओवर, थ्रो, द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू ओवर थ्रो द गवर्नमेंट, ओवर थ्रो मीन्स डिसप्लेस या डिफीट, तो आर्मी ने एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गवर्नमेंट को ओवर थ्रो करना यानी डिफीट करने के लिए या डिसप्लेस करने के लिए यानी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, सो आंसर इज ओवर थ्रो, ओवर वी विल एड विथ थ्रू, ओवर थ्रो। साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए मेजर, ब्रिंक मीन्स होता है एज यानी किनारे पर, इन कैंसर रिसर्च, ब्रेक थ्रो यहाँ पे ब्रेक थ्रो आएगा, ब्रेक थ्रो मीन्स होता है काफ़ी मेजर डिस्कवरी या कोई एक ऐसी चीज़ हो जाना, खोज हो जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाना। सो साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए मेजर, तो साइंटिस्ट मेजर ब्रेक थ्रू के किनारे पर हैं साइंटिस्ट इन कैंसर रिसर्च, कैंसर रिसर्च के अंदर यानी उसका कोई इलाज ढूंढने के लिए या कुछ भी रिसर्च के लिए, सो आंसर इज ब्रेक थ्रू। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड ए फॉर भुवनेश्वर टू स्पीड अप ट्रैफिक ऑन द मेन हाईवे पास, सो द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड ए बाईपास, सो आंसर इज बाईपास फॉर भुवनेश्वर टू स्पीड अप ट्रैफिक ऑन द मेन हाईवे, तो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक बाईपास
बिल्ड करने का प्लान कर रही है फॉर भुवनेश्वर टू स्पीड अप ट्रैफिक, ताकि जो ट्रैफिक है वो स्पीड अप हो सके मेन हाईवे से. गौतमास ऑन लाइफ चेंज व्हेन ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो. लुक मीन्स आउटलुक, आउटलुक होता है नजरिया. सो गौतमास आउटलुक ऑन लाइफ यानी जीवन को देखने का जो नजरिया होता है, लाइफ को देखने का जो एक पक्ष होता है, आउटलुक होता है. सो आंसर इज गौतमास आउटलुक. गौतमास आउटलुक ऑन लाइफ चेंज, गौतमा का यानी जो गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान गौतम बुद्ध की, कि गौतमास आउटलुक ऑन लाइफ चेंज, कि गौतम का जो गौतमास का जो आउटलुक था लाइफ को देखने का, यानी जो लाइफ को देखने का जो नज़रिया था उनका, वो चेंज हो गया व्हेन ही रियलाइज, जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो, कि दुनिया है वो दुख से भरी हुई है. सोरो मीन्स होता है दुख, सैडनेस. सो आंसर इज आउटलुक. आउटलुक मीन्स एक एस्पेक्ट या नज़रिया. राकेश सीम्ड अनयूजुअली आफ्टर द गेम कास्ट. सो आंसर इज डाउन कास्ट. डाउन कास्ट मीन्स होता है डिसहार्टन्ड या डिसक्रेज्ड. डिसहार्टन्ड, डिसक्रेज या लो या डाउन. सो राकेश सीम्ड अनयूजुअली डाउन कास्ट. राकेश काफ़ी असामान्य रूप से डाउनकास्ट लग रहा था, यानी वो काफ़ी डिस्क्रेज या डिसहार्टन लग रहा था. राकेश सीम्ड अनयूजुअली डाउनकास्ट आफ्टर द गेम. तो गेम के बाद यानी जो खेल ख़त्म हुआ उसके बाद में राकेश है वो काफ़ी डाउनकास्ट लग रहा था असामान्य रूप से, अनयूजुअली. डाउनकास्ट में डिसहार्टन, डिस्क्रेज और डाउन, यानी काफ़ी हारा हुआ या जिसने दिल छोड़ दिया हो, डिस्क्रेज, निराश. तो राकेश गेम के बाद काफ़ी निराश लग रहा था. आंसर इज डाउनकास्ट. पार्ट टू देखिए, नोटिस हाउ दिस आईएनजी एंड ईडी एडजेक्टिव आई यूज. तो यहाँ पे ये देखिए आपकी किस तरीके से जो आईएनजी और ईडी एडजेक्टिव्स हैं उसको यूज़ किया गया है. चेस इज एन इंटरेस्टिंग गेम. चेस है वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग गेम है, यानी काफ़ी मज़ेदार गेम है. तो गेम के लिए इंटरेस्टिंग यूज़ किया है. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन चेस. तो मैं काफ़ी चेस के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ. तो इस तरीके से ये आगे भी है. बी एन सी द आई एन जी एडजेक्टिव शो द क्वालिटीज दैट चेस ट्रैकिंग और दीज बुक्स हैव. तो जो आई एन जी एडजेक्टिव है वो क्वालिटी शो कर रहा है चेस की, और जो दूसरी चीज़ें हैं ट्रैकिंग की और बुक्स की. सो चेस इज एन इंटरेस्टिंग गेम. चेस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है. तो ये गेम की क्वालिटी बता रहा है, यानी इंटरेस्टिंग यानी काफ़ी मज़ेदार. द ई डी एडजेक्टिव शो द मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट, हाउ यू फील इन रिस्पॉन्स टू आइडियाज इवेंट और थिंग्स. और जो ई डी एडजेक्टिव है वो एक क्वालिटी बता, ये एक मेंटल स्टेट बता रहा है कि किस तरीके से आप फील कर रहे हैं, आइडिया है, रिस्पॉन्स है. यानी आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन चेस, यानी चेस के अंदर जो चेस गेम है उसके अंदर आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ. सो थिंक ऑफ सूटेबल आई एन जी एंड ई डी एडजेक्टिव. तो हमें यहाँ पर ये यूज़ करने हैं एडजेक्टिव. हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन. तो टीवी पे एक अच्छा डिटेक्टिव सीरियल आ रहा हो तो आप उसे क्या कहेंगे, तो दैट इज इंटरेस्टिंग. सो ए गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन इज इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है वो. ए डिबेट ऑन योर फेवरेट टॉपिक होमवर्क शुड बी बैंड. तो आपके एक फेवरेट टॉपिक के ऊपर डिबेट है और टॉपिक है वो होमवर्क शुड बी बैंड, यानी जो होमवर्क है उसको बैन कर दिया जाना चाहिए. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग आएगा. हाउ यू फील व्हेन यू से स्टे इंडोर्स ड्यू टू इनसिसेंट रेन. तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है जो रुक ही नहीं रही है. इनसिसेंट मीन्स अनप्लेजेंट या काफ़ी अच्छी ना हो जो. सो हाउ यू फील, आप कैसा फील करेंगे जब ऐसी बारिश बार हो रही है और आपको घर के अंदर ही रहना पड़े.
सो इट विल बी बोर्ड, सो वी विल फील बोर्ड, तो ये एक फीलिंग होगी। हाउ यू फील वेन यू ओपन ए प्रेजेंट, तो कैसा फील करते हैं जब आप एक प्रेजेंट को ओपन करते हैं? सो एक्साइटेड, तो यहाँ पे एक्साइटेड वर्ड आएगा कि हम काफ़ी एक्साइटेड या थ्रिल फील करते हैं जब हम कोई प्रेजेंट ओपन करते हैं। हाउ यू फील वेन यू वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, तो आप जब अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम है वो टेलीविजन के ऊपर देखते हैं तो कैसा फील करते हैं? तो आप एक्साइटेड फील करते हैं, यहाँ पे भी एक्साइटेड आएगा। द लुक ऑन योर मदर्स फेस एज यू वेटेड इन ए क्यू, तो आपकी मदर के फेस पे वो लुक जब आप क्यू के अंदर या कोई लाइन के अंदर लगे हुए हैं वेट कर रहे हैं। वरिंग, तो यहाँ पे वरिंग आएगा, काफ़ी चिंता, काफ़ी चिंता का लुक होगा। वरिंग, हाउ यू फील व्हेन ट्रैकिंग ए टाइगर इन ए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, तो आप कैसा फील करेंगे जब आप कोई टाइगर रिजर्व के अंदर यानी जो जहाँ पे टाइगर होते हैं जंगल के अंदर, उसकी जो सेंचुरी है, उसका जो रिजर्व है, वहाँ पे आप टाइगर की जो ट्रैकिंग कर रहे हैं यानी उसके जो पाँव के निशान है उसको देख देख के आप चल रहे हैं, तो उसको फील किया आप काफ़ी थ्रिल फील करेंगे, यानी थ्रिल्ड, तो काफ़ी थ्रिल्ड फील करेंगे, यहाँ पे थ्रिल्ड वर्ड आएगा। द स्टोरी यू हैव रिसेंटली रीड और ए फिल्म यू हैव सीन, तो अभी अभी आपने कोई स्टोरी पढ़ी है या कोई फिल्म देखी है तो आप काफ़ी उसके लिए क्या वर्ड होगा? इंटरेस्टिंग, तो काफ़ी जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग होगी, फिल्म जो आपने देखी है वो भी इंटरेस्टिंग होगी, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड आएगा। सो ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है एंड फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।